नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी कृषि खबर की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे के अंतर्गत इच्छावर विधानसभा में किसानों को और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों को लेकर एक बड़ी बात कही। किसानों को दिए जा रहे एमएसपी को लेकर उन्होंने कहा कि इसे और भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेल के दाम अभी और बढ़ेंगे क्योंकि सस्ता तेल आ गया है। अभी हमने इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है तो इससे तेल के दाम और बढ़ेंगे, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसी बीच स्टेज पर भाषण देते हुए वे अचानक से लड़खड़ा गए और इस पर उन्होंने कहा कि मेरा वजन भले ही कम हो गया है लेकिन लोगों का वजन कम नहीं हुआ है। शिवराज सिंह किसानों को संबोधित करते हुए अचानक स्टेज पर लड़खड़ा गए। इस पर उन्होंने मजाक में कहा कि मेरा वजन तो कम है, जनता का वजन बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य से कम कीमत पर किसी भी हालत में सोयाबीन और किसान भाइयों की फसल नहीं बिकने दूंगा। किसानों के संबोधन के दौरान शिवराज सिंह ने घोषणा करते हुए कहा कि आने वाली प्रधानमंत्री आवास सर्वे में किसान भाइयों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। इसके लिए मैंने अपने प्रयास कर कई छूट दिलवाई हैं और मैं दिल्ली में ऐसे ही नहीं बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में 3.5 लाख आवास दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के बाद लाभार्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2018 में आवास प्लस का सर्वे हुआ था और इसमें कई नाम छूट गए थे। ऐसे में छूटे हुए नामों को जोड़ना है, इसके लिए अगले महीने से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी और सर्वे में छूटे हुए नाम फिर से जोड़े जाएंगे। वहीं पीएम आवास के लिए अब 4 शर्तों को छूट दी गई है। इसमें गरीब लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। पहले ये था कि जिनके पास बाइक होती थी उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था। शिवराज सिंह ने कहा कि अब बाइक वाले लोगों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं दूसरी शर्त ये हटा दी गई है कि पहले 10,000 से अधिक की कमाई वाले लोगों को पीएम आवास नहीं मिलता था, अब इसकी सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। अब 15,000 रुपये की कमाई वालों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। और तीसरी शर्त ये हटा दी गई है कि पहले मोबाइल फोन वालों को भी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये शर्त हटा दी गई है। अब मोबाइल रखने वालों को भी पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा और इसके साथ ही किसानों को भी 2.5 एकड़ तक सिंचित और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वालों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छूटे हुए नामों को जोड़ने के लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से सर्वे की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में फिर से सर्वे कराएंगे। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कृषि के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।